दोस्तों कांग्रेस पार्टी ठीक ही कहती है, देश में कांग्रेस की हवा इतनी तेज बह रही है कि उसके नेता उड़ उड़कर दूसरी पार्टियों में पहुंचे जा रहे हैं। पहले अशोक चौहान, फिर मिलिंद देवड़ा, फिर विजेंद्र सिंह और अब गौरव वल्लभ भी आखिरकार बीजेपी के घर जमाई बन ही गए। लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि बीजेपी को सबक सिखाने के लिए कहीं किसी दिन राहुल गांधी भी बीजेपी में ना पहुंच जाए। दोस्तों आखिर विपक्ष में चल क्या रहा है? रात को कांग्रेस वाले नेता विधायकों की गिनती करके सोते हैं तो सुबह उठते ही दो चार नेता कम ही निकलते हैं। बात तो सही है। एक दिन पहले तक बीजेपी को गरिया रहा नेता अगले दिन मोदी जी की चाय की चर्चा में डुबो डुबो कर कसमे खा रहा होता है। अब इन्हीं को देख लीजिए, कल तक ये रण बांकुरा राहुल मियां के साथ सेल्फी ले रहा था, मगर अगले ही दिन सेल्फी पोस्ट होती है बीजेपी के अकाउंट से। क्या बात कर रहे हैं? यानी कि मुक्केबाज विजेंद्र सिंह भी राहुल को मुक्का देकर बीजेपी में शामिल हो गए। कल तक ये कहा जा रहा था कि आप राहुल गांधी का वीडियो रिट्वीट कर रहे थे जिसमें मोदी जी का मजाक उड़ाया जा रहा था। अब सवाल उठ रहा है कि बॉक्सर का मन बदला क्यों 24 घंटे में? वो कहते हैं फिर मैं सो गया उसके बाद, फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहां से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में। कोई सेंस है इस बात? कल तक राहुल गांधी में देश का पीएम देखने वाले इन चमन चंपुओं को अचानक राहुल बाबा ढोंगी बाबा दिखने लग गए। और रही बात इंडी अलायंस की, तो वो तो बस अब भिंडी अलायंस बनकर रह गया है। सही पकड़े हैं। वहीं गौरव वल्लभ तो कांग्रेस के सबसे अहम प्रवक्ता थे। सुबह उठने से लेकर दिन के 24 में 24 घंटों तक सिर्फ और सिर्फ भाजपा को गरियाने वाला कांग्रेस नेता अब मोदी मोदी के नारे लगाने लग पड़ा है। दोस्तों हालत तो यहां तक खराब है कि कांग्रेस ऑफिस के बाहर कुछ लोगों को भागता देख टीवी वालों को लगा कि शायद यहां कोई मैराथन चल रही है। साला बाद में पता चला कि ये लोग सड़क पर नहीं भाग रहे बल्कि कांग्रेस से भाग रहे हैं। कांग्रेस की पतली और खस्ता हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार स्मृति ईरानी से हारने के बाद राहुल गांधी अमेठी से अपने पुश्तैनी सीट से नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। बताओ क्या हालत हो गई है कांग्रेस पार्टी की? दोस्तों वैसे आप किस पर क्या राय है? क्या सच में कांग्रेस की चमड़ी इन 10 सालों में मोदी ने उधेड़ कर रख दी है? आखिर क्यों राहुल गांधी भाग रहे हैं? दो शब्द जरूर कमेंट करें। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की प्लेलिस्ट है तो उनको भी जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।